हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। HDFC लिमिटेड की बात करते हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्टॉक में तेज़ी है दोस्तों, और अगस्त के स्टार्टिंग में, जुलाई के लास्ट में ये लगभग 2360 के आसपास था, और तब भी एक तरह से बताने की कोशिश थी जो डिलीवरी वाइज अगर कोई स्टॉक देखना चाहते हैं तो इसको देखना चाहिए। अब स्टॉक देखिए एक तरह से 2832 तक पहुँच गया, और जिन्होंने पिछले साल लिया था दोस्तों लगभग 1700-1800 2000 के आसपास लिया, कम क्वांटिटी में भी लिया है, किसी ने भी लिया है, तो अब स्टॉक देखिए एक तरह से 60-70% का रिटर्न मिला है। और जिस तरह से रिलायंस ने अपना हाई ब्रेक किया तो स्टॉक ऊपर की तरफ है अभी, और भारतीय एयरटेल ने अपना हाई ब्रेक किया तो वो स्टॉक ऊपर की तरफ है, तो उसी तरह से ये एक तरह से देखिए अपने हाई की तरफ जा रहा है। तो हम चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं, अब कौन सा रेजिस्टेंस होगा, और किसी ने लिया है अगर अगस्त में ही लिया है तो प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लॉस क्या होगा दोस्तों। तो HDFC लिमिटेड में तेजी की संभावना है, तो इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं। और HDFC लिमिटेड एक तरह से देखिए अच्छे ग्रुप का ये शेयर है, किसी ने भी HDFC ग्रुप में इन दो शेयरों को देखा है, HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड को, तो उनको एक तरह से अच्छा रिटर्न मिला है। HDFC लिमिटेड का मार्केट कैप हो गया है 5,14,000 करोड़ का, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है, और बुक वैल्यू पर शेयर 907 रुपये का है। EPS की बात करते हैं तो 111 का है, तो शानदार कंपनी है हाउसिंग लोन में। और मार्केट कैप देखिए 5,00,000 करोड़ तक पहुँच गया है, और अपने हाई के आसपास एक तरह से जाने की कोशिश कर रहा है। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 3 साल का रिटर्न है 48% का है, 1 साल का रिटर्न है 58% का, और 3 महीने का जो रिटर्न है 10% का है, और अपने 52-week हाई को ब्रेक करता है तो और तेज़ी की संभावना रहेगी HDFC लिमिटेड में। तो 3 साल के रिटर्न के हिसाब से देखते हैं तो 48% का है दोस्तों। फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं तो टोटल इनकम जो हुआ था जून 2021 तक 11,663 करोड़ का टोटल इनकम था HDFC लिमिटेड का, स्टैंड ऑन बेसिस में है ये। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट था 3,000 करोड़ का। पिछले 1.5 साल के अनुसार देखते हैं तो हाउसिंग लिमिटेड की जो कंपनियां हैं उनमें थोड़ा बहुत प्रेशर है, बहुत सारे कस्टमर EMI जमा नहीं कर पा रहे होंगे, तो आने वाले दिनों में EMI भी जमा करेंगे और नए हाउसिंग लोन भी बटेंगे, तो इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ देख सकता है दोस्तों। दोस्तों हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं फाइनेंशियल नंबर्स को। जैसे कि हमने देखा आगे आने वाले दिनों में Q2 का रिजल्ट आएगा, और स्टॉक एक तरह से बुलिश मोड में बना हुआ है, अपने हाई की तरफ जा रहा है। 8,232 का इसका अभी प्राइस चल रहा है, लाइव ट्रेडिंग हो रही है, और जो हाई है दोस्तों फरवरी के महीने में, जैसे कि आपको याद होगा जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ ये, 16/2/2021 को इसने हाई बनाया था 2,896 रुपया। तो मेन हडल, मेन रेजिस्टेंस ये होगा दोस्तों। अब देखिए लगभग 50-60 पॉइंट की बात है, वाले सितंबर या अक्टूबर में इसको ब्रेक करेगा और एक बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा, तो स्टॉक जो है 3,000 या 3,100 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है हमको। और जिन्होंने हाल फिलहाल में लिया, बहुत सारे निवेशकों ने इसको 2340 जिन्होंने हाल फिलहाल में लिया, अगस्त के स्टार्टिंग में जिन्होंने लिया, तो देखिए जो स्टॉप लॉस होना चाहिए प्रॉफिट वाला प्रोटेक्ट, जो स्टॉप लॉस होना चाहिए प्रॉफिट वाला वो होना चाहिए जो आज का लो है 2,750.40 रुपये होना चाहिए दोस्तों। और जैसे ही स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि जो कुछ दिन के लिए ट्रेड करते हैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा लीजिए। और जिनके पास है लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड करना चाहिए स्टॉक को थोड़ा बहुत। अब जैसे कि पिछले 4-5 महीने को हमको दिखा कि ये ऊपर के लेवल से गिरावट आई, नीचे के लेवल पे लगभग 2350-2300 तक आया, वहाँ से 2660 और 2670 के बीच कारोबार कर रहा था ट्रेडिंग टाइप का, और आने वाले समय में भी इसी तरह का हो सकता है, अगर 3000 क्रॉस करेगा तो इसी तरह का समय बिताएगा, फिर तेज होता हुआ दिखेगा। तो देखिए पिछले 1.5 साल के अनुसार जिन्होंने भी लिया है, ये एक तरह से स्टॉक रडार में था और 1600-1700-1800-2000 के आसपास, तो एक तरह से देखिए 60-70% का रिटर्न मिला है निवेशकों को। और जिन्होंने ट्रेडिंग के हिसाब से भी लिया है तो एक तरह से देखिए जब भी इसमें गिरावट होती है तो ज़रूर नज़रों में रखना चाहिए, अभी थोड़ा बहुत तेज़ी में है, तो जो स्टॉप लॉस एक तरह से होना चाहिए जो आज का लो है 2,750 रुपये का होना चाहिए, और जैसे ही स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो अपना स्टॉप लॉस को बढ़ा लेना चाहिए। तो हाल फिलहाल में जो बेस बनाया एक तरह से नीचे की तरफ का, अब जो इसका एक तरह से देखिए जो लॉन्ग टर्म वालों का स्टॉप लॉस होना चाहिए 2,647.50 रुपये के आसपास होना चाहिए, ये मीन्स 2,650 के आसपास होना चाहिए, और जैसे ही स्टॉक 3,000 के ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा, जैसे ही स्टॉक 3,000 के ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा देखिएगा बहुत तेज़ी से ये लगभग 3,100-3,320 की तरफ जाता हुआ दिखेगा।
तो लॉन्ग टर्म वालों को भी फायदा रहेगा और जिन्होंने अगस्त के स्टार्टिंग में लिया है उनको भी फायदा रहेगा। बट ये है कि जिन्होंने 2-3 महीने के लिए लिया है तो अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहिए स्टॉप लॉस के द्वारा दोस्तों। तो चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं तो बुलिश मोड में बना हुआ है एचडीएफसी लिमिटेड, और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अनुसार देखते हैं तो 68 पर पहुंच गया है। तो 2900 को अगर ब्रेक करेगा तो एक नया ब्रेकआउट मिलेगा और 3000 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। ये डेली कैंडल के हिसाब से ये 68 के आसपास पहुंचा है आरएसआई, दूसरा इंडिकेटर जो है इसके अनुसार देखते हैं तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट बुक करते हुए दिख सकते हैं, यानी मीन 2900 या 3000 के आसपास जो आरएसआई के अनुसार रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अनुसार जो ट्रेड करते हैं वो प्रॉफिट बुक करेंगे। और जो इनको लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने रखा अपने पोर्टफोलियो में तो होल्ड करना चाहिए दोस्तों, अभी भी होल्ड करना चाहिए स्टॉक को और इंतज़ार करना चाहिए अभी। और Q2 का भी रिजल्ट अच्छा आना चाहिए इसका, क्योंकि देखिए अब की बार लॉकडाउन नहीं रहा है तो स्टॉक तेजी से ऊपर की तरफ जाता हुआ भी दिख सकता है दोस्तों। तो चार्ट पैटर्न के अनुसार बुलिश मोड में बना हुआ है, बहुत सारे ब्लू चिप स्टॉक अपने हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। भारतीय एयरटेल को देख लीजिए, रिलायंस को देख लीजिए, और उसी तरह से हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो स्टॉक है ये भी तेज होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। तो ये चार्ट पैटर्न के अनुसार है, प्रेजेंट टाइम के अनुसार है। तो दोस्तों ये हाल फिलहाल का जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है बुलिश मोड में बना हुआ है स्टॉक और अपने हाई को ब्रेक करता हुआ दिख रहा है और वहां से और तेजी की संभावना हो सकती है दोस्तों। दोस्तों YouTube चैनल इंडिया दीघा सिंह के स्टॉक्स में बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।